Hi Kriti, hi. Hi, hi, how are you? I'm good, how are you? Very good, thank you. देखो जोश के साथ तो बहुत सारे लोगों का वेट मतलब ऐसा वेलकम किया है मैंने, बट ये पहली बार होगा जब मैं तैश के साथ किसी को वेलकम सो वेलकम विद तैश. नाउ बीइंग नॉर्थ इंडियन आई नो व्हाट तैश इज, यू नो, लेकिन हो सकता है Z5 पर आपके ये तैश देखकर बहुत सारे लोग, मुझे ये होता क्या है. सो इसी से मतलब तैश की क्या होती है आपके हिसाब से, क्या डेफिनेशन है? तैश इज रेज, गुस्सा. लेकिन आई थिंक हमारा होल पर्पस ऑफ नेमिंग दिस फिल्म तैश इज क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारी स्टोरी का जिस्ट है कि एनीथिंग फॉर फैमिली. जब फैमिली पे बात आती है, अपनों पे बात आती है, फैमिली कुछ भी हो सकता है. ये फैमिली वो लोग भी होते हैं जिसके साथ आप पैदा होते हैं, फैमिली वो भी होती है जिसे आप जिंदगी में बना लेते हैं, फैमिली वो भी होती है जो दोस्तों के रूप में आती है, फैमिली वो भी होती है जिसके साथ आप प्यार करते हैं, आप उनके साथ एक दुनिया बना रहे हैं, वो आपकी एक अलग फैमिली बन जाती है. सो द होल आइडिया इज टू शो दैट हमारे रिश्ते जिनके साथ हम जन्म लेते हैं और जो रिश्ते हम चुनते हैं उनमें कोई फर्क नहीं होता. जब प्यार एक जैसा हो सकता है तो तैश भी दोनों तरफ बराबर ही होगा. एंड तैश की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो हमारी मूवी का मोटिव है एंड दैट इज द सेंटर ऑफ इमोशन ऑफ आर मूवी, जो हम दिखाना चाहते हैं कि हर किसी का तैश अलग होता है, हर किसी का रेज अलग होता है. आपका तैश अलग होगा मेरे तैश से. आप अपने तैश को शायद बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाती होंगी, मैं नहीं कर पाती होंगी. तो आई थिंक कहानी वही है कि प्यार में जो तैश आता है, परिवार में जो तैश आता है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद इट. तो उल्फत और इश्क के बीच का जो तैश है ना, वो है ये तैश. कब कंप्लीट हुई थी तैश, लाइक एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल प्लान फॉर तैश? ओरिजिनली तैश वाज स्केड्यूल्ड टू रिलीज इन द समर ऑफ दिस ईयर, 2020 के समर में. अप्रैल में वाज व्हाट वी वर टारगेटिंग. एंड जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हैपेंड हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि इसकी डबिंग करनी है और इसका ये करना है और इसका वो करना है. एंड इमीडिएटली लॉकडाउन हो गया तो आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो, हैविंग टॉकिंग टू बिजॉय. ही सेड कोई बात नहीं यार, 21 दिनों की बात है. और फिर सोचा कि अच्छा एक दो महीनों की बात है, लेकिन वो काफी लंबा चला. नोबडी थॉट कि इतना लंबा चलेगा. तो फाइनली आई एम सो ग्लैड. आई विश तैश हैड कम आउट इन अ थिएटर, क्योंकि हमने शूट ही इस तरीके से करा है. इट वाज सपोज्ड टू बी अ थिएट्रिकल रिलीज. सो उसके विजुअल्स वगैरह, जब आप रंग देखोगे, आप जो डार्कनेस देखोगे, जो वो बड़ी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होकर आती, तो ऑफ कोर्स बहुत ही सुंदर लगती. दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क वी हैव, उस तरीके के रंग, उस तरीके की लाइट्स यूज करी गई है. बट नेवरदलेस आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट लोगों तक पहुंच रही है. एंड हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग होती है. आई थिंक हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि बिकॉज वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है तैश, 109 कंट्रीज में पीपल विल बी एबल टू वॉच दिस फिल्म. दैट इज प्रोबेबली माई बिगेस्ट रिलीज, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग. नो, एंड अनदर सिल्वर लाइनिंग इज कि अब थिएटर्स भी खुल गए हैं एंड बहुत सारी फिल्में री रिलीज हो रही हैं, यू नो, डिजिटल रिलीज के बाद, या वो थिएटर्स में भी रिलीज हो रही है. सो वो बड़े पर्दे वाला एक्सपीरियंस भी आई एम श्योर जो है लोग देख सकते हैं. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम तैश एंड फ्रॉम द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? मेरी जो एक्सपेक्टेशंस मूवी से हैं या मेरे एक्सपीरियंस से हैं, वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है. आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग टू प्ले अ कैरेक्टर दैट इज सो अमेजिंग. मुझे वो मिल गया. मुझे बिजॉय नम्ब्यार के साथ काम करने का मौका मिल गया. मुझे बहुत अच्छे कोस्टार्स मिले जो मेरे ही जितने ड्रिवन हैं, जो अपने प्यार से अपने काम से बहुत प्यार करते हैं. आई हैव गॉट एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू विद तैश, क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट में था टू डू अ मूवी लाइक दिस, टू वर्क विद बिजॉय नम्ब्यार, और मेरे को दोनों चीजें मिल गई. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम तैश आई थिंक वही होगी जो हर मूवी के साथ होती है, कि लोगों को पसंद आए, लोग आपका काम नोटिस करें, लोग आपको और आगे काम मिले, अलग अलग तरीके का काम मिले, क्योंकि किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था मेरे को. आई थिंक सब लोग इस बात से शॉक हो रहे थे, लाइक हाउ मेनी अवर इंटरव्यूज आई हैव डन, सब मेरे से यही पूछ रहे हैं कि आप इतनी सीरियस मूवी कैसे कर रही हैं, यू हैव डन हाउसफुल एंड यू हैव डन पागलपंती एंड यू हैव डन शादी में जरूर आना एंड दिस इज अ डार्कर फिल्म, तो क्या सोच के लिया. बट मेरे लिए एक बहुत ही वेलकमिंग चेंज था. एंड आई होप जितना मेरे लिए वो चेंज इतना हैप्पी रहा है और इतना सेटिस्फाइंग रहा है, आई होप लोगों के लिए भी उतना ही सेटिस्फाइंग रहे. मुझे तो पसंद करें, बट आई रियली वांट देम टू एंजॉय द फिल्म एंड वॉच द फिल्म एंड लाइक द फिल्म. और मैं चाहती हूँ कि बिजॉय, जिम, मैं, पुलकित, हर्ष, संजीदा, हम सब अपने करियर में बहुत ग्रो करें एंड लोग हमारी पर्सनालिटी का एक ऐसा साइड देखें जो किसी और डायरेक्टर ने आज तक निकाला नहीं.
अच्छा ये बताओ मुझे, किसी ने आपको इंडस्ट्री में ये बोला है कि कृति इतना ऑनेस्ट नहीं होना है तुम? हाँ बहुत लोगों ने, बहुत लोगों ने, लाइक आई थिंक एक्सेप्ट पीपल हु रियली रियली लव मी, इवन दे एक्चुअली टेल मी थोड़ा सा यार तेरी ऑनेस्टी ना थोड़ा ज्यादा, यू आर अ लिटिल टू ऑनेस्ट, यू आर अ लिटिल टू ब्लंट. कई बार वो रूड भी साउंड करता है लोगों को. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम.